तालीम इंसान को जैसे आदमी को जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं। जालिम इंसान, ये क्या किया तुमने? अपने मालिक को मार दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। इस जैसे जालिम इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। रुको, खून का बदला खून से तो ले सकते हैं हम, लेकिन हम अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। चलो इसको काजी के पास ले चलते हैं। जालिम इंसान कातिल कहीं का। काजी साहब, इसने हमारी आंखों के सामने अपने मालिक का कत्ल कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो ये हमारे हाथों कत्ल हो जाए। आप जल्दी से जल्दी इसको कोई सजा दें। क्या ये सच है? तुमने अपने मालिक का कत्ल कर दिया? जी कज साहब, मैंने अपने मालिक का कत्ल किया है, लेकिन मैंने इसमें कुछ गलत नहीं किया। क्या कह रहे हो? तुमने कत्ल किया है और तुम कह रहे हो मैंने कुछ गलत नहीं किया? क्या मतलब तुमने कुछ गलत नहीं किया? जी हाँ, हमारा मालिक हम सब नौकरों के साथ बदफेली किया करता था, जिसकी वजह से तंग आके मैंने उसको कत्ल कर दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या तुम्हारा मालिक मर्दों के साथ बदफेली किया करता था? क्या सबूत है इसका तुम्हारे पास? काजी साहब, मेरे पास इस बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। काजी साहब, मुझे तो लगता है ये सजा से बचने के लिए झूठ बोल रहा है। ये बड़ा अजीब वाकया आ गया। चले ठीक है, 3 दिन बाद तुम लोग मेरे पास वापस आना, तब मैं तुम लोगों का फैसला करूंगा। काजी साहब, 3 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, अब इनका कोई फैसला करें। चलो इसके मालिक की कब्र भी ले चलो मुझे। चले काजी साहब। इस कब्र को दोबारा खोदो। क्या ये कैसी बातें कर रहे हैं कारी साहब? इस कब्र को दोबारा खोदे? इसका फैसला तब भी हो पाएगा जब कब्र को दोबारा खोदा जाएगा। ये कब्र ही इसका फैसला करेगी। अरे कहाँ गई लाश? मैंने खुद अपने हाथों से दफनाया था उसे। तूने निकाली है ना लाश? कार साहब, मुझे यकीन है इसी ने लाश छुपाई होगी कहीं पे। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है, छोड़ दो इसको। इसका मालिक वाकई मर्दों के साथ बदफेली किया करता था। काजी साहब, आपको कैसे पता है कि ये मर्दों के साथ बदफेली किया करता था? अरे बेटा, हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार कर लेता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको उसी कौम के साथ उठाएगा। इसलिए इसका मालिक मर्दों के साथ बदफेली करके कौम लूत की मुशाबियत इख्तियार किया करता था। अल्लाह ताला ने उसको उसकी कब्र से निकाल के उन लोगों के साथ शामिल कर दिया। क़यामत के दिन इसको कौम लूत के साथ ही उठाया जाएगा। अब छोड़ दो इसको, इसने कुछ गलत नहीं किया है।